नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का अपना YouTube चैनल रवि टेक्नोलॉजी में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है, यानी कि आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं और अपने ही क्षेत्र में इस जॉब को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपडेट आया हुआ है, इसको लेकर लगभग 5000 पोस्ट पर जो है बम्फर बहाली आई हुई है और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो हम आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस बहाली का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, आवेदन कब से कब तक चलेगा और किस प्रकार से अप्लाई करना है, ये पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर ये मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा इस तरह का अगला अपडेट है तो अगला अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पोस्ट ऑफिस की दो नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हुए हैं। सबसे पहले आपको पहली पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी जो है उसको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसी जो है यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में यहाँ पे जो है पोस्टल असिस्टेंट्स का यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट्स है और इसके साथ साथ यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क है, LDC का भी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फिर यह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स का भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं इसका जो है आवेदन के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑनलाइन इसमें आवेदन लिया जाएगा, यहाँ पे अप्लाई मोड ऑनलाइन ही लिया जाएगा। और इसमें टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 4726 यहाँ पे देख सकते हैं कि 4726 यहाँ पे है जो पोस्ट इसमें रखा गया है, इसमें सीट है। और यहाँ पे देख सकते हैं जॉब लोकेशन जो है अक्रॉस इंडिया यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया है। यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट कहीं से भी आप किसी जगह से भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट है इसमें एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से अब जो है सिलेक्शन का प्रोसेस की अगर बात कर ले यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा रिटर्न और इंटरव्यू के माध्यम से। फिर नीचे यहाँ पे देख सकते हैं अगर सैलरी की हम बात कर ले तो यहाँ बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है आप लोगों को। पोस्ट ऑफिस में जो रिक्तियाँ हैं इन पे 19,900 से यहाँ पे है 81,100 रुपये तक आपको जो है इसमें सैलरी दिया जाएगा। फिर उसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट यहाँ पे 18 से 27 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर लें तो जनरल OBC की यहाँ पे 100 रुपये है, SC ST कैंडिडेट के लिए नील है, फीमेल के लिए भी नील है, फ्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें कैंडिडेट जो है 12 पास होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, अगर 12 पास किए हैं उत्तीर्ण किए हैं तो आज आप इस जॉब जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लायर अब बन सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर डिटेल्स और जानकारी सारी लेनी है तो यहाँ पे नीचे कुछ लिंक्स दिए गए हैं, इस पर आप क्लिक करके आप जो है इस पर पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है, अगर हम डेट की बात कर लें कि कब से अप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 फरवरी 2022 से जो है स्टार्ट हो चुका है और 7 मार्च यानी 7 मार्च 2022 तक इसका अप्लाई का लास्ट डेट है। और यहाँ पे कुछ लिंक्स है अप्लाई ऑनलाइन, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से है, यहाँ पे मैं बता दूँ कि पोस्ट ऑफिस के पद पर कौन कौन से वैकेंसीज आई है। ये पहले जो है वैकेंसी की जानकारी हम दी, अब दूसरी वैकेंसी की जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के तहत निकाला गया है और पोस्टल जो है इसका कमांड हायर सेकेंडरी लेवल मैंने CHSL के नोटिफिकेशन में ये जो जिक्र किया गया है, इनका दो जो पोस्ट निकाला गया है पोस्टल असिस्टेंट्स और सॉर्टिंग असिस्टेंट्स का। वही अगर हम पोस्ट ऑफिस की दूसरी वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरी वैकेंसी है जो भारतीय डाक विभाग के द्वारा भी निकाला गया है, रिलीज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया पोस्ट के माध्यम से रिलीज किया गया है। इसमें पोस्ट का नाम की अगर बात करें तो स्टाफ कार ड्राइव होने वाला है, यानी कार ड्राइविंग का यहाँ पे पोस्ट रखा गया है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। दूसरी जो वैकेंसी है इसमें ड्राइविंग का यहाँ पे पद है और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 29 है, 29 यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। अगर अप्लाई मोड की अगर हम बात कर ले कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है तो बिल्कुल ही ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं लिया जाएगा,
या आपको जो है ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई आपसे लिया जाएगा। जो जो कैंडिडेट हैं वो ऑफलाइन ही आवेदन करेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ले तो इसमें कोई भी एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा, ओनली फॉर ड्राइविंग टेस्ट। उसी के माध्यम से आपको जो है सिलेक्शन यहाँ पे करवाया जाएगा, लिया जाएगा। अगर सैलरी की इसमें बात कर ले तो बहुत अच्छा सैलरी इसमें भी मिलने वाली है आपको। यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा। और यहाँ पे एज लिमिट की अगर बात कर ले तो मिनिमम आपसे 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स आपको जो होना चाहिए इसमें एज। उसके बाद देख सकते हैं कि फीस की अगर हम बात कर ले तो इसमें आपसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन में मोड में ही आवेदन इसमें लिया जाएगा। और एक चीज़ और, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th क्लास पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस उनके साथ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जा रहा है, इसमें कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए और 10th पास होना चाहिए, जो देख सकते हैं कोई भी डिवीजन से। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि अप्लाई का यहाँ पे कुछ किस तरह से अप्लाई करना है सारा चीज़ इसमें दिया गया है। इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट 2022 तो इंडिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रिलीज किया गया है दोनों वैकेंसी। यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिंक दिया गया है, इसका ऑफिशियली वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, नहीं तो ऑफिशियली वेबसाइट का जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो दोनों पोस्ट पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वैकेंसी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप पढ़ना चाहते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये वैकेंसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो था, बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया था मैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ पसंद आई तो मेरे वीडियो को एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह की और भी जॉब की नोटिफिकेशन जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल का जो है लाल बटन के बगल में एक बेल आइकन का भी बटन दिखाई देता है, उसको भी ऑल कर दें ताकि जब भी मेरा इस तरह का कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।